चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है और मंदिरों में पूरे देश भर के मंदिरों में भीड़ है भक्तों की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, कुलदीप भरत दिल्ली से जुड़ गए हैं और सुरेश सविता कानपुर से जुड़े हुए हैं, केशवानंद रायबरेली से, तो आरपी सिंह संवाददाता अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जाते हैं आरपी सिंह के पास जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, छोटी देवकाली मंदिर में आज भक्तों का उत्साह किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। रेलिंग लगाई गई है और बैरियर भी बनाए गए हैं, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु पर डे आ रहे हैं यहाँ पे, तो व्यवस्था के लिए रूप से इतनी तगड़ी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे कुछ गणों और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। प्रशासन जो है जगह चप्पे चप्पे निगरानी कर रहा है जगह जगह पर, तो यहाँ पे व्यवस्था बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई है। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बैरिकेडिंग बनाई गई है कि जिस जगह ज्यादा भीड़ हो तो उनको रो रोक के छोड़ा जाए। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पे व्यापक व्यवस्था की है और दर्पण भी लाइनों में लोग लग करके सुबह 4 बजे से दर्पण पूजन कर रहे हैं, क्योंकि ये कुल देवी भगवान राम का तो कुल देवी मंदिर है, तो यहाँ पे लोग श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ और सिद्ध पीठ है। यहाँ पे जो लोग आते हैं दर्शन परी मुराद मांगते हैं और बहुत पूरी होती है, तो ये कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक और जो है पहला नवरात्रि, यहाँ भीड़ काफी है, लोग लाइनों में लगा करके पीछे दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी आरपी, जिस तरह से कहा जाता है कि माता सीता ने इस मंदिर की स्थापना की थी और भगवान राम और माता सीता को लेकर के इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि माता सीता ने इस मंदिर को स्थापित किया था, तो वहां पर जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके अंदर आज पहला दिन है नवरात्रि का और शैलपुत्री की पूजा है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? ये आपको बता चले इनके व्यापक उत्साह है, क्योंकि यहाँ जो लोकल वासी है वो तो उत्साह ही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो उनका भी उत्साह है, क्योंकि सीता माता अपने मायके से इनको लेकर के आई थी, यहाँ स्थापित किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये जो है पुरानी मंदिर है और यहाँ पे लोग जो श्रद्धालु है जितने श्रद्धालु या आम नागरिक है उनका काफी विश्वास है, लोग यहाँ आकर के अपने दर्शन पूजन करते हैं और अपने जीवन को धन्यवाद है। 9 दिन लोग यहाँ के लोकल जो अयोध्या वासी हो तो दर्शन पूजन करते ही है, बाहर के जितने लोग हैं वो भी आकर के यहाँ दर्शन पूजन लाइने लगा करके दर्शन पूजन करते हैं। और रही बात हर मठ मंदिरों में, तो यहाँ चाहे हनुमानगढ़ी हो या फिर रामलला हो, हर जगह व्यापक व्यवस्था की गई है कि पानी पीने से लेकर हर व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी भी है यहाँ पे लाइनों लगा और कर बैरिकेडिंग बनाए गए हैं कि जगह जगह पर और आपके पास वापस आएंगे आरपी, आपके पास वापस आएंगे, रुक कर लेते हैं। केशवानंद रायबरेली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। केशवानंद, किस तरह का माहौल मंदिरों में देखने को मिल रहा है, आज पहला दिन है चैत्र नवरात्र का? बिल्कुल, देखिए आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, कहा जाता है कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना को लेकर के रायबरेली में देखा जाए तो इस समय मौजूद है माँ मनसा देवी मंदिर में, जो कि काफी पुराना मंदिर बताया जाता है, और यहाँ पे लोगों की मुरादें भी पूरी होती है, उसको लेकर के आज नवरात्र पहले दिन यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। भाई संख्या में देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और आज माँ मनसा देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, आज नए वर्ष की शुरुआत होती है और कहा जाता है और रही रायबरेली में अगर बात की जाए मंदिरों के आसपास भारी संख्या में भी तैनाती की गई, सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजाम किए, क्योंकि मंदिरों को देखा जाता है कि नवरात्र को उन्हें काफी भीड़ पहुंचती है, उसको लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्था है और जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। हमारे साथ मंदिर जानेंगे कि आखिर किस प्रकार यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौन कौन सकता है? किस प्रकार यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, माँ शैलपुत्री के पहले दिन पूजा हो रही है, किस प्रकार की जाती है? नौ वर्ष का पहला दिन है और पहले दिन माँ प्रेम का और काफी भाव से सभी लोग
तो बिल्कुल देखिए, आज जिस प्रकार माँ भगवती की पूजा अर्चना हो रही है और नवरात्र में 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उसको लेकर के यहाँ पे खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो दूसरी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। केशवानंद आपके पास वापस आएंगे, केशवानंद आपके पास वापस आएंगे, रुक कर लेते हैं सुरेश सविता का जो कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश सविता, आज मंदिरों में भक्तों का किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और भक्तों की जो भीड़ है मंदिरों में देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय मैं कानपुर के सुप्रसिद्ध माँ भारत देवी मंदिर पे हूँ, जो देवी में स्थित है। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस मंदिर में एक लोग दूर दूर से बच्चों के साथ परिवार के इस मंदिर में किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चुनरियों से और फूल प्रसादों से अपनी दुकान सुंदर सुंदर सजाई हुई है, लोग दूर दूर से आ करके प्रसाद ले रहे हैं चुनरी, किस तरीके से देखिए मंदिर में एक भीड़ लगी हुई, लोग अभी तक सुबह से अभी धूप भी निकली लगभग 9:15 बजे हो रही, लेकिन लोगों में मंदिर में आने की कमी नहीं हो रही, भीड़ बढ़ती जा रही है। सोलन हम मार्केट मंदिर पुलिस प्रशासन आपका दोबारा से रुक करेंगे सुरेश, रुक कर लेते हैं कुलदीप भरत का जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और वहां पर दिल्ली में भी, देश की राजधानी दिल्ली में भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है और माँ शैलपुत्री की आज पूजा होती है। कुलदीप भरत, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है मंदिरों में? दुनिया के अंदर जो माता के नवरात्र शुरू हो गए, चैत्र नवरात्रि, और इस बार माता जो है वो पूरे 9 दिन तक अपने भक्तों को दर्शन देने वाली है। और पहला नवरात्र है चैत्र जिसमें शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है, जिसको लेकर दिल्ली के तमाम मंदिरों के अंदर जितने भी बड़े मंदिर है सुरक्षा व्यवस्था का वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारी भीड़ देखने को मिलेगी। और उस वक्त मैं एक कूट कला के प्राचीन मंदिर में हूँ जिसमें जब पूजा का काफी महत्व ज्यादा है, जिसके जो पुरोहित है हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इनसे जाने के इस मंदिर की जो इतिहास के बारे में और माता के बारे में। पंडित जी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम पंकज जी। क्या माता का चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, क्या तैयारियां है मंदिर के अंदर, किस प्रकार माता की पूजा की जाती है? देखिए भक्त जो यहाँ रोज आने वाले हैं, 5 साल पुराना है, कुछ ऐसे भक्त हैं जो सालों से आ रहे हैं, 10 सालों से आ रहे हैं, कुछ बहुत ही पहले से आ रहे हैं। तो यहाँ जो यजमान है वो शास्त्री जी हमारे हैं, वो परमानेंट यहाँ के प्रमुख प्रधान जी मेन पार्टी है, तो मैं उनका परिचर्यक या सेवा या सहचर कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ की सेवा देता हूँ उनका सिस्टम। यहाँ मंदिर में हर नवरात्रियों को पहले दिन हम जवारे होते हैं, माता की स्थापना करते हैं और जो भी हमारा औपचारिकता होती है वो करते हैं। अपने लिए व्यक्तिगत रूप से हमारी श्रद्धा जुड़ी है कि हम भी पुजारी हैं, ठीक है, लेकिन हम भी श्रद्धा रखते हैं माता के चरणों में, अपने हृदय में। जी बिल्कुल कुलदीप, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन रुक कर लेते हैं शिवा शर्मा का जो हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वहां का भी हाल जान लेते हैं कि आखिरकार मंदिरों में किस तरह का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, भक्तों की भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है। शिवा, राजधानी लखनऊ में मंदिर में भक्तों की भीड़ किस तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है? पूर्ण दिन है और आज नवरात्रि का पहला जो दिन है वो आज से शुरू है और लाखों की तादाद में लखनऊ के अंदर भक्तों का जनसैलाब मंदिरों में उमड़ा रहता है। उसको लेकर के लखनऊ का चाहे पूर्वी इलाका हो, चाहे पश्चिमी इलाका हो या पर नॉर्थ का इलाका हो, तीनों ही जगहों पे भव्य खास मंदिर है और हजारों की तादाद में मंदिर है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि जो भक्त मंदिर में आते हैं, जो उनका जनसैलाब मंदिरों पे आता है, वो भगवान के दर्शन सही तरीके से कर पाए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए परसों ही बैठक हुई थी लखनऊ के जिला प्रशासन में और डीएम की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई थी। इसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए थे और खासतौर से उन मंदिरों पर जो खासतौर से जहाँ पर ज़्यादा भक्तों गढ़ों की भीड़ आती है वहाँ पर पुलिस को लगाया गया है,
ताकि जो भी भक्त आए वो सीधे सीधे लाइन से मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित हैं भगवान की उनके दर्शन करें और दर्शन करके सीधे वो एग्जिट द्वार की तरफ जाए, ताकि जितने भी लोग आए उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस फोर्स है, जो पीएसी की टुकड़ियां हैं, वो लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो तो उससे निपटने के लिए खास तौर से इंतजाम रखा जाए। तो आज कहा जाएगा कि लाखों की तादाद में जो भक्त हैं वो सुबह सुबह 5 बजे से मंदिरों के अंदर लाइन लगाए हुए हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, और यही नज़ारा अगले 8 दिन तक 9 दिन तक देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जो मुस्तैदी है पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की, ऐसे ही भक्तगणों की सुरक्षा के लिए उनकी तैयारियां ऐसी रहेंगी। आप सभी का दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके साथ ही आज के दिन कलश स्थापना भी की जाती है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही माता वैष्णो देवी के दरबार में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह के पहली किरण के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सुबह से लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर नवरात्रि को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी जी के भवन को फूल मालाओं और फलों से सजाया गया है। इसके साथ ही लाइटों से सजाया गया है। जानकारी के मुताबिक माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े दिख रहे हैं। श्रद्धालु सुबह की पहली किरण के साथ माँ भगवती का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के बाहर लंबी कतार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस दौरान भक्त माता का जयकारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की पूर्व संध्या पर मंदिर की छटा देखने लायक थी। आपको बता दें कि माँ के दरबार का रात्रि दृश्य अपने आप में अनोखा था। माँ के भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।